इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान पर, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NCDEX के MD एंड CEO श्री अरुण रस्ते जी। अरुण जी, स्वागत आपका मार्केट एंड सीवी पर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। अरुण जी, जैसा आज हमने देखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज़ हो चुका है, इनफैक्ट सेबी के चेयरमैन श्री अजय त्यागी जी भी ने भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं, आपसे जानना चाहेंगे उन्होंने ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट टिप दी है जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए आगे काम आ सकती है और यंग जनरेशन को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, और इस इवेंट का मेन पर्पज़ क्या था? देखिए, एज फार एज इन्वेस्टर्स कंसर्न, उसमें दो चीज़ें हैं कि आज की तारीख में अगर आप भारत की पॉपुलेशन देखें तो करीब 140 करोड़ हैं और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर हैं उसका 1% होगा जी। तो ऐसी जब इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जैसे हमारा मेन फोकस है फार्मर्स पे, और फार्मर्स आज की तारीख में जो इन्वेस्ट करता है वो गोल्ड या कहीं दबा के पैसा रख देता है, बैंक में डिपॉजिट करता है, जब वो इक्विटीज़ में आएगा या कमोडिटीज़ में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा तो अपने आप ये मार्केट्स बढ़ेंगे, और जब ये मार्केट बढ़ेंगे तो फार्मर की इनकम भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये हमारा मेन एम है। सभी की तरफ से ये है कि जब ट्रांसपेरेंट मार्केट होता है, जैसे कहते हैं एक तो डब्बा ट्रेडिंग होती है और दूसरा जैसे NCDEX और सेबी या NSE और सेबी, हम लोग जो मिलके कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। जैसे ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका जो फंड है वो प्रोटेक्टेड है, छोटा से छोटा निवेशक आएगा उसके भी फंड्स प्रोटेक्ट होते हैं अगर वो मार्केट मैकेनिज्म जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है उसकी हम लोग उसको गारंटी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ सेबी चेयरमैन ने कही कि इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। अगर आप पैसा लगाते हैं, जहाँ पर हम पैसा लगाते हैं, तो हमें ये ज़रूरत है कि हमें वापस भी मिले, ऐसा नहीं हो कि डूब जाए। तो ये गारंटी जो है ये एक्सचेंज सिस्टम और सेबी के जो जितनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं सब मिलके करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाली। अरुण जी, हमने ये भी देखा है कि NCDEX लगातार कहीं ना कहीं कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ वेबिनार्स और इवेंट लगातार ऑर्गेनाइज करता रहता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है कि इसमें कैसे निवेश करके पैसा कमाया जा सकता है और किसानों का भला किया जा सकता है। FPOs को लेकर भी NCDEX काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करता रहा है, और हमने देखा भी है कि मार्केट में जो स्पेकुलेशन लगातार होती रहती है तो NCDEX की उस पर भी निगरानी रहती है, और साथ के साथ सेबी भी करता है, जिसका असर हमने कुछ कम्युनिटीज़ के बैन पर आते हुए भी देखा है। हमने रिसेंटली चना बैन होते हुए देखा है 2021 के अंदर, फिर हमने सरसों बैन होती हुई देखी, जिसका वजह जो थी स्पेकुलेशन थी। आपको क्या लगता है, क्या अभी और भी कम्युनिटीज़ बैन हो सकती हैं स्पेकुलेशन के, या फिर जो डिसीजंस आने थे वो आ चुके हैं? देखिए, ये कहना कि चना बैन हुआ या मस्टर्ड बैन हुआ वो स्पेकुलेशन के कारण है, पूरी तरह गलत है। एक्चुअली ये बैन इसलिए हुआ कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सभी कमोडिटीज़ में डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा है। अगर आप जैसे कोई भी जो कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया में आ रही है, पाम ऑयल देख रहे हैं आप, कोई भी कमोडिटीज़ देखें, इंडिया गवर्नमेंट ने इस वक्त ये किया है कि हमारे यहाँ जो ऑयल कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वहाँ पर शॉर्टेजेस चल रही हैं। इसलिए जैसे GM आज तक अभी तक, मतलब GM सीड्स कभी यहाँ इंडिया में नहीं आए थे, तो सोया GM इस बार अलाउ किया मील्स, वो इसलिए किया गया कि इस वक्त डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते स्पेकुलेशन ना हो इसलिए बैन किया गया है। ये हो सकता है, संभावना ये हो सकती है। दूसरा ये कि मार्केट से स्पेकुलेशन कभी नहीं होता। मार्केट कौन है? जो फ्यूचर्स मार्केट है, इट इज़ अ मैसेंजर। ये आज से 4 महीने बाद क्या रेट हो सकते हैं ये आपको फ्यूचर मार्केट बताता है। इट इज़ अ मैसेंजर। आप उसको गोली मार दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे मार्केट में क्या भाव होने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जून महीने में मध्य प्रदेश के किसी किसान से, किसी FPO वालों से बात कर रहा था। वो ये कहते हैं कि हम फ्यूचर्स मार्केट में NCDEX का टिकर देखते हैं कि हमें अक्टूबर में क्या रेट मिलने वाला है, उस हिसाब से हम मतलब ये सोचते हैं कि हम सोयाबीन की बुआई करें या किसी और फसल को बोएं। अगर हमें लगता है कि दिसंबर में या अक्टूबर में हम अच्छे रेट मिलेंगे तो हम सोयाबीन की बुआई करें। तो आज की तारीख में किसान भी ये देखते हैं कि टिकर पे या फ्यूचर्स में ट्रेड में क्या हमें रेट मिलने वाला है। तो हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं। हमारी एक्सचेंज में ये है कि हम जो ट्रेडिंग अलाउ करते हैं वो फ्यूचर्स बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइसेस होती हैं, उल्टा नहीं होता। फ्यूचर्स डजंट ड्राइव स्पॉट मार्केट्स, बट स्पॉट मार्केट में जो रेट है और बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं सब मिलके तय करते हैं कि आगे फ्यूचर का रेट क्या होगा। तो सट्टा बाजार हमारे यहाँ नहीं होता है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ अखिलेश राठी, मार्केट MCV।